Save command. The shortcut key of save command is Ctrl plus S. Okay. So what is save command? Save command is used to save the text, save the file in computer system. Okay. Save command की यूज होती है जैसे हमने कोई पेज मतलब कोई फाइल बनाई है एमएस वर्ड की है ना, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है और हम उसको सेव करना चाहते हैं है ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो हमको उसके लिए कंट्रोल प्लस एस कमांड का यूज करना होगा है ना, जिससे कि आप जल्दी से उसको सेव कर सकते हैं, आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग ऑप्शन भी होते हैं, आप आसानी से सेव कर सकते हैं। बोल्ड ऑप्शन है ना, बोल्ड ऑप्शन आप जानते हैं अच्छे से कि बोल्ड कमांड किस लिए यूज करते हैं, हम डार्क करने के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट को हमारे डेटा को, तो उसके लिए आप बोल्ड कमांड का यूज करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस बी। देन सेलेक्ट ऑल, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ ऑल द पैराग्राफ और ऑल द टेक्स्ट व्हिच यू हैव रिटन ऑन द पेज, सो यू विल हैव टू यूज सेलेक्ट ऑल कमांड, दैट इज कंट्रोल प्लस ए। ओके, देन प्रिंट कमांड, सो दैट पर्टिकुलर कमांड इज यूज टू प्रिंट द पेज। ओके, if you want to print any page, if you want to get any hard copy of page, so you can use print command. Okay, print command is used hoti hai jiske kyunki humko jaise kai baar paper ki zarurat hoti hai, hard soft copy to hoti hai computer system ke andar, humko hard copy bhi chahiye hoti hai, to printer ke through hum kya kar sakte hain, print kara sakte hain, to uske liye humko usko ek command dena padti hai jisko bolte hain print, control plus p hai na, ye ek shortcut key hai uske liye. Okay, thank you.